भारत की आर्थिक असमानता डॉक्टर अंबेडकर के विचार के परिप्रेक्ष्य में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा की डॉक्टर अंबेडकर भारत की असमानता को शुद्ध असमानता नहीं न मानकर वह वर्गीकृत असमानता है ऐसा मानते हैं। इसमें हर वर्ग के विशेष अधिकार लाभ और हानि यह अलग अलग है। यह असमानता भारतीय समाज के हर क्षेत्र में दिखाई देती है। वर्गीकृत असमानता में ब्राह्मण सबसे ऊपर है जिसको सारे अधिकार जन्म से ही प्राप्त है। उसके नीचे क्षत्रिय है जिसके पास ब्राह्मण से कम परंतु वैश्य और शूद्र से ज्यादा अधिकार है। तीसरे पायदान पर वैश्य है जो शूद्र से ऊपर है और उसके पास शूद्र से ज्यादा अधिकार है परंतु ब्राह्मण और क्षत्रिय से कम। शूद्र के पास ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य से कम अधिकार है परंतु अस्पृश्यों से ज्यादा अधिकार है। अस्पृश्यों के पास कोई अधिकार नहीं है। इस पूरी व्यवस्था को धर्म के फलसफे का आधार देकर कानूनी रूप में समाज में प्रस्तावित किया गया था। डॉक्टर अंबेडकर वर्गीकृत असमानता की बात करते हैं। यह वर्गीकृत असमानता 21वीं शताब्दी के भारत में केवल सामाजिक क्षेत्र में ही नहीं परंतु हर क्षेत्र में दिखाई देती है। यह नीचे दिए गए रिसर्च सर्वे रिपोर्टों से स्पष्ट होगा। 1917 में थॉमस पिकेटी और लुकास ने मिलकर एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था ब्रिटिश राज टू बिलियनेयर राज इन इंडिया। थॉमस पिकेटी अपनी किताब कैपिटल इन 21st सेंचुरी के कारण जग प्रसिद्ध हुए हैं। इस रिपोर्ट में कहा गया था आय की असमानता 1922 जब देश में इनकम टैक्स लॉ पास किया गया था उसके बाद सबसे ज्यादा बढ़ी। इन्होंने अपने रिपोर्ट में कहा था 1922 के बाद 1914 में देश में आर्थिक असमानता सबसे ज्यादा बढ़ी। दूसरी रिपोर्ट इंटरनेशनल राइट्स ग्रुप ऑक्सफॉर्म इंडिया की है जिसमें कहा गया है 1% अमीरों ने देश की 73% संपत्ति जमा की, बाकी जो 67 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे उनकी संपत्ति में सिर्फ 1% की बढ़ोतरी हुई है। 22 दिसंबर 1952 में डिस्ट्रिक्ट लॉ लाइब्रेरी पुणे के नए विभाग का उद्घाटन करते हुए डॉक्टर अंबेडकर जनतंत्र को यशस्वी बनाने में जो 6 चीजें आवश्यक बताते हैं, इसमें सबसे पहली जरूरी बात जनतंत्र को यशस्वी बनाने के लिए जरूरी बताते हुए कहते हैं देयर मस्ट बी नो ग्लेरिंग इनइक्वालिटीज इन द सोसाइटी। समाज में स्पष्ट रूप से दिखाई देने वाली असमानता नहीं होनी चाहिए। इसको वो जनतंत्र के सफलता के लिए पहली आवश्यकता मानते हैं। इसका यह अर्थ भी है कि एक वर्ग और दूसरे वर्ग के बीच ज्यादा असमानता नहीं हो। यह लोकतंत्र को यशस्वी बनाने की पहली आवश्यकता उन्होंने बताई। इन दोनों रिपोर्टों से पता चलता है कि भारत में आर्थिक असमानता कितनी बढ़ी है, परंतु यह दोनों रिपोर्ट यह नहीं बताती कि भारत की यह आर्थिक असमानता शुद्ध आर्थिक असमानता नहीं है, वर्गीकृत आर्थिक असमानता है। आगे 4 रिसर्च स्टडीज की फाइंडिंग्स दी गई हैं, उस पर हम गौर करें। पहली रिपोर्ट 6th इकोनॉमिक सेंसस एंड इंडिया लेबर एंड इकोनॉमिक रिपोर्ट है। यह रिपोर्ट 2011-2012 के नेशनल सैंपल सर्वे पर आधारित है। यह तालिका हमें बताती है कि भारत में उच्च जाति के पास सबसे ज्यादा आर्थिक प्रतिष्ठान है और अनुसूचित जाति और जनजाति के पास सबसे कम। इस तरह यह टेबल दर्शाता है कि इमारतें जमीन और आर्थिक पूंजी की मलकियत उच्च जाति के पास सबसे ज्यादा है। ओबीसी के पास सिर्फ इमारतें और आर्थिक संपत्ति छोड़कर बाकी संपत्ति उनकी जनसंख्या के प्रमाण में है। दूसरा टेबल हमें स्वयं रोजगार लोगों के बारे में जानकारी देता है। यह रिपोर्ट इंडिया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट रिपोर्ट पर आधारित है। टेबल में दर्शाए गए 1 से ज्यादा वैल्यू का मतलब उस सामाजिक समूह की भागीदारी उसके जनसंख्या के हिसाब से ज्यादा है। इस टेबल से पता चलता है स्वयं रोजगार कैटेगरी में अनुसूचित जाति और जनजाति की भागीदारी सबसे कम है और दिहाड़ी मजदूरों में सबसे ज्यादा है। इस स्लाइड से स्पष्ट होता है कि सफेदपोश नौकरियां में सबसे ज्यादा भागीदारी उच्च जाति के लोगों की है। सफेदपोश नौकरियां में इंजीनियर जैसे काम आते हैं, सेमी स्किल्ड में टाइपिस्ट वगैरह और अनस्किल्ड में अकुशल में सफाई कर्मचारी के जॉब आते हैं।
अनुसूचित जाति जनजाति में सबसे ज्यादा भागीदारी अकुशल कार्यों में सबसे ज्यादा है। इस स्लाइड से यह स्पष्ट है कि सुख समृद्धि का स्तर भी जातिगत असमानता को दर्शाता है। सबसे लोएस्ट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में, सबसे कम उपभोग व्यय में SC/ST के लोग ज्यादा हैं, जो सबसे अमीर है उसमें उच्च जाति के लोग हैं। ऊपर दी गई चारों रिपोर्ट 21 अक्टूबर 1916 के लाइव मिंट अखबार में छपी है। 2013 के आंकड़ों के अनुसार 45% संपत्ति उच्च जाति के लोगों के पास है, उनकी लोक संख्या के अनुपात में दुगनी। इसके बाद 31% OBC के पास है, जो उनकी जनसंख्या के अनुपात में जो 36% है उसके करीब है। अनुसूचित जाति और जनजाति के पास सिर्फ 7% संपत्ति है, जो उनके लोक जनसंख्या के अनुपात में काफी कम है। डॉक्टर सुखदेव थोराज, जो ब्लॉक कास्ट किताब के सहलेखक है, लिखते हैं, सारे मानव विकास सूचकांक जिसमें है पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, परसेंटेज ऑफ पुअर पीपल, माल न्यूट्रिशन और शैक्षणिक उपलब्धि, इन सब में वर्गीकृत असमानता अभी तक कायम है। उच्च जातियां OBC और SC से काफी अच्छी स्थिति में है। OBC उच्च जातियों से पीछे है, परंतु SC से अच्छा कर रहा है। SC जो कास्ट हायरार्की में सबसे नीचे है, वो मानव विकास सूचकांक पर भी सबसे पीछे है। जाति परंपरा से चली आई वर्गीकृत आर्थिक असमानता संविधान लागू होने के 68 वर्ष बाद भी कायम है। इसके कारणों को जानने की कोशिश करने पर पता चलता है, सबसे पहला कारण जाति व्यवस्था के विशेष अधिकारों के कारण उच्च जातियों के पास जन्म से ही अनुवंशिक रूप से जो अमानत है, संपत्ति है, जो शुरू से ही उन्हें आर्थिक सशक्तता प्रदान करती है तथा जीवन में एक पहल देती है। संविधान लागू होने के बाद भी उच्च जातियों द्वारा विशेष अधिकार और आर्थिक अधिकार पर कब्जा जमाए रखने के लिए जातिगत भेदभाव के शस्त्र का उपयोग किया गया। इसको न मानने पर सामाजिक बहिष्कार रूपी ब्रह्मास्त्र का उपयोग किया गया, जिसके बारे में डॉक्टर अम्बेडकर कहते हैं, अगर अस्पृश्यों ने जरा भी स्वाभिमान से जीने की कोशिश की या ऊंची जाति की तरह जीवन यापन करने की कोशिश की तो उन पर सामाजिक बहिष्कार किया जाता है। सामाजिक बहिष्कार से ज्यादा अधिक परिणामकारक और अधिक भयंकर शस्त्र कोई निर्माण करेगा ऐसा लगता नहीं है। ऊपर से नॉन वायलेंट दिखने वाले सामाजिक बहिष्कार के परिणाम दूरगामी और अत्यंत घातक होते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण कारण जातिगत भेदभाव सामाजिक जीवन के हर विभाग में स्थित है। जॉब मार्केट भी इससे बचा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियां पाने में जातिगत भेदभाव दिखाई देता है। स्त्री पुरुष वेज डिस्क्रिमिनेशन, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क विषय काफी चर्चा में है, परंतु वेज डिस्क्रिमिनेशन इन कास्ट पर कोई चर्चा नहीं होती। इस विषय से संबंधित कुछ शोध का उल्लेख स्क्रीन पर दिखाया गया है, जो इस बात को पुख्ता करता है कि भारत में पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में जातिगत भेदभाव है। प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा और पब्लिक सेक्टर में कम। 15 सितंबर 1938 में बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली डिबेट्स में बोलते हुए डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं, व्हाट वी वांट इज नॉट इक्वालिटी, व्हाट वी वांट इज इक्विटी। हमें समानता नहीं चाहिए, हमें समभाग चाहिए। समानता होगी माने समभाग होगा, यह आवश्यक नहीं है। समाज में समान भागीदारी निर्माण करने के लिए, समाज में न्याय की प्रस्थापना करने के लिए विभिन्न वर्ग के लोगों को विषमता से ट्रीट करना होगा। एक उदाहरण के तौर पर देखें, हमारे यहाँ श्रेणीबद्ध आयकर है, हम सभी को समान कर क्यों नहीं लगाते? हम अमीरों को ज्यादा कर और गरीबों को कम कर क्यों लगाते हैं? इसका कारण है, इन दोनों की कर क्षमता अलग अलग है। इसमें समानता भयानक विषमता निर्माण करेगी। एक दूसरा बहुत ही सटीक उदाहरण देकर वह इसे और स्पष्ट करते हैं। एक ही परिवार के अनेक सदस्यों में से एक सदस्य बीमार है, वह बीमारी से मुक्त हो इसलिए हम उसे चिकन सूप देते हैं, परंतु अन्य सदस्यों को हम चिकन सूप नहीं देते। बीमार को चिकन सूप दिया गया और अन्य स्वस्थ व्यक्तियों को नहीं दिया गया, इस कारण परिवार का कोई सदस्य माँ को दोष नहीं देता।
हमें समान भागीदारी चाहिए। अगर हमने सबल और दुर्बल, सधन और निर्धन, सुबोध और अबोध इन सबको समान तरह से ट्रीट करने की सिफारिश की तो समान भागीदारी निर्माण नहीं हो सकेगी। अनुसूचित जाति जनजाति को इस जाति व्यवस्था द्वारा बीमार बनाया गया है, उसे उच्च जाति जैसा स्वस्थ बनाने के लिए चिकन सूप देने की आवश्यकता है, जिसे अन्य सदस्यों को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो बाबा साहब कहते हैं अनुसूचित जाति और जनजाति को समानता नहीं समभाव चाहिए। 9 नवंबर 1940 को जनता के अग्रलेख में वह लिखते हैं, रशियन राज्य क्रांति का दिन मानवीय समाज के इतिहास में अत्यंत महत्व का दिन है। फ्रेंच राज्य क्रांति और रशियन राज्य क्रांति इन दोनों का निकट का संबंध है। फ्रेंच राज्य क्रांति में सामाजिक समता और सामाजिक स्वतंत्रता पर जोर दिया गया था, परंतु आर्थिक स्वतंत्रता और आर्थिक समानता इनको दुर्लक्षित किया गया। आर्थिक समानता के बिना सामाजिक समता और सामाजिक स्वातंत्र्य विफल है। जिसके पास धन नहीं है उसे मन नहीं, जिसके पास धन नहीं उसके पास स्वतंत्रता नहीं, क्योंकि उसे पेट के लिए दूसरे पर निर्भर रहने के सिवा कोई उपाय नहीं। जो परावलंबी है वह कभी भी स्वतंत्र नहीं हो सकता। आगे वो कहते हैं, रशियन क्रांति के मार्ग दोषपूर्ण है। समता प्रस्तापित करने के लिए व्यक्ति की स्वतंत्रता वहां नष्ट की गई, परंतु जहां अपरिमित आर्थिक असमानता है वहां सही माने में स्वतंत्रता नहीं, यह मान्य करना पड़ेगा। भारत में असमानता अपरिमित बढ़ी है, जिससे भारतीयों की स्वतंत्रता को खतरा उत्पन्न होता है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 38(1) राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की निर्मित करेगा जिसमें सामाजिक आर्थिक व राजनैतिक न्याय हो। आर्टिकल 38(2) के अनुसार राज्य आय की असमानता को कम करने का प्रयास करेगा, धन का समान वितरण। आर्टिकल 39(3) के अनुसार राज्य स्त्री पुरुष सभी को आजीविका के समान साधन उपलब्ध कराएगा और समान कार्य के लिए समान वेतन देगा। आर्टिकल 46 राज्य अनुसूचित जाति और जनजाति और अन्य दुर्बल वर्गों की शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों को बढ़ावा देगा तथा सामाजिक अन्याय और सभी प्रकार के शोषण से उनका संरक्षण करेगा। डॉक्टर अंबेडकर ने नीति निर्देशक तत्व के बारे में कहा था, हमें राजनीतिक और आर्थिक प्रजातंत्र की स्थापना करनी है और उसके लिए निर्देशक तत्व हमारे आदर्श है। पूरे संविधान का उद्देश्य इन आदर्शों का पालन करना है। नीति निर्देशक तत्व यह सरकार के लिए जनता के आदेश पत्र होंगे। दिशा मार्गदर्शक तत्व यह मूलभूत अधिकारों की तरह जस्टिसिएबल अर्थात न्यायोचित नहीं ठहराए जा सकते। इसका मतलब यह नहीं है कि उनकी अनदेखी की जा सकती है। वह भारतीयों के सोशियो इकोनॉमिक राइट्स है जिनके बिना मूलभूत अधिकार सही माने में अर्थपूर्ण नहीं है। चिनप्पा रेड्डी अपनी पुस्तक कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में लिखते हैं, मूलभूत अधिकार यह अंतिम साध्य नहीं है परंतु अंतिम साध्य प्राप्त करने का जरिया है और अंतिम लक्ष्य यह संविधान के भाग 4 में दिया गया है जो दिशा निर्देशक तत्व है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन, राइट टू शेल्टर जैसे अन्य अधिकार जो मूलभूत अधिकार नहीं थे उन्हें राइट टू लिव लाइफ विद डिग्निटी के साथ उन्हें मूलभूत अधिकारों के साथ जोड़कर न्यायिक सक्रियता का परिचय दिया है और साबित किया कि भारत का संविधान एक जीवंत संविधान है। शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की सामाजिक और आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखकर और भारत की वर्गीकृत असमानता जो हर क्षेत्र में व्याप्त है, जिसके कारण जनतंत्र को खतरा है और स्वतंत्रता को भी खतरा है, इसे देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट को आर्टिकल 38, आर्टिकल 39 और आर्टिकल 46 को मूलभूत अधिकारों में रखकर आर्थिक प्रजातंत्र का मार्ग प्रशस्त करना चाहिए। जय भीम।